गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, ऑफिसर्स, आ जाइए, क्लास को स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आ जाइए, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़े प्रश्नों की ओर। मंगलम श्री गणेश, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। बच्चों देखो पहला प्रश्न। अच्छा, क्या पढ़ेंगे सैम की सैम बात? पहले पढ़ेंगे हम प्रश्न और उसके बाद में 20 प्रश्न पढ़ेंगे पहले और उसके बाद में हम करेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो हमारा चल रहा है उसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे आज पूरा। ठीक है, तो चलिए आते हैं प्रश्नों की ओर जल्दी जल्दी। यस यस, पहला प्रश्न आपके सामने है, लाइसोसोम इज फॉर्म, बनता है किससे बनता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स, कोशिका का वह कौन सा कोशिकांग होता है जिससे लाइसोसोम बनता है? चलिए, कौन सा है जल्दी दीजिए बच्चों। कोशिका यानी कि लाइसोसोम कहां से बनता है? तो लाइसोसोम जो बनता है वह एंडोसोम से बनता है और एंडोसोम का पार्ट कहां से बन रहा है? गोल्जी बॉडी से। तो सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, लाइसोसोम में क्या होता है? उसके अंदर होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। लाइसोसोम में क्या होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि फट जाने पर, सिंगल लेयर है और जब वह फट जाता है तो वह किसी कोशिका को खत्म कर देता है, सेल को ही मार देता है, इसलिए उसे कहते हैं सुसाइडल बैग्स। तो लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? सुसाइडल बैग्स बोलते हैं, याद रखना, सुसाइडल बैग्स बोलते हैं, याद रखना। आगे बढ़िए। यस, बहुत अच्छा, बच्चों के प्रश्न सही आ रहे हैं, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अपलोड द मैप्स दैट टीच, बिल्कुल ठीक, यहां जरूरत नहीं पड़ रही है ना, जा लेकिन करेंगे, बिल्कुल अच्छा सुझाव है, आपका सुझाव मानने योग्य है बच्चों, बिल्कुल मैं स्वागत करता हूं आपके सुझाव का, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, सेकंड प्रश्न क्या बोलता है? देखो पहले तो पढ़ो और समझना है, यानी कि अब प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड, प्रोटीन बनता है, कहां बनता है? कहां बनता है? प्रोटीन राइबोसोम के ऊपर बनता है और वो कहां से? वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा होता है, वो भी कौन सा? रफ। और वह अंदर जा रहा है, कहां जा रहा है? उसके बाद में वह क्लोरोप्लास्ट की ओर जाता है, जहां पर क्या है? थैलेकोइड है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलेकोइड, और क्लोरोप्लास्ट जो है वह डबल लेयर्ड ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है, सेल ऑर्गेनल से दोहरी परत वाला है, और कितनी तहों से होके उसे गुजरना पड़ता है? डबल लेयर है तो दो तहों से होके गुजरना पड़ेगा, कौन सी है? ए इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल ए इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल बिल्कुल देवत कृष्णा, बहुत अच्छा, सही कहा आपने, बिल्कुल श्रीनिवासन, बहुत अच्छा बच्चों, है ना। देवत कृष्णा कहां से है बताएं मुझे, मुझे लग रहा है आप केरल या तमिलनाडु से होने वाले, ठीक है, लेकिन मुझे जरूर बताना। बहुत अच्छा आपका सुझाव है, आपके सुझाव को मान्य किया जाएगा और आगे पे ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर दीजिए। देखिए बच्चों क्या लिखा है, इनमें से वो कौन सी रीजन है जिस कारण वायुमंडल में रुद्रोष्म ताप परिवर्तन होता है? रुद्रोष्म का मतलब होता है एडियाबेटिक, बिल्कुल लाइक करें जरूर, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। देखो मेरा अनुमान सही गया, केरला से आप, केरला इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला? इडुकी और पतनम थिट्टा और त्रिचूर और एनी एल्सवेयर, बताइए ना। यस, आगे बढ़ी। तो वायुमंडल में रुद्रोष्म परिवर्तन किसके कारण होता है, इनमें से बताना है। तो क्या होगा जब, क्या होगा? हवा का एक्सपांशन होगा और हवा का कॉन्ट्रेक्शन वाली बात है, ऐसा पार्ट होगा। तो क्या, न तो वह क्लाइमेट बाहर से एनर्जी लेगा न एनर्जी देगा, उसी को क्या बोलते हैं? एडियाबेटिक बोलते हैं बच्चों, ना। त्रिचूर, वेरी नाइस, वेरी गुड बच्चों, मैं त्रिचूर आया था, बिल्कुल आया था, 1994 के अंदर आया था, बहुत अच्छा, वेरी नाइस बच्चों, आगे बढ़िए। तो इसमें क्या आंसर है, इसमें क्या है? न तो क्या होगा वहां, वहां क्या होगा इस कारण से होगा, तो वहां एक्सपांशन एंड कंप्रेशन, कहा वे वायु का प्रचार और संपीड़न, सी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर बच्चों, पालकाड़ जाते हैं तो बीच में पड़ता है, बहुत एरिया ना, जब कोची से पालकाड़ जाते हैं कोयम्बटूर जाते हैं उस रास्ते में पड़ता है, बहुत शानदार एरिया है त्रिचूर, आगे बढ़िए। यस, आगे बढ़, क्या है देखे अगला प्रश्न क्या है, देखो बच्चों देखिए, वर्षण की सघटन सलयन, सघटन सलयन प्रक्रिया यानी कि कोलिशन कोएलेसेंस प्रोसेस है, कब यह रेनफॉल का है, इनमें से कौन सा प्रयोज्य, किस किस तरह से वह जो है प्रोसेस होता है, वह कैसे एप्लीकेबल है, याद रखना। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, क्लाइमेटोलॉजी से प्रश्न है ज्योग्राफी की, और यह CDS 2018 के अंदर पहले वाले पार्ट के अंदर यह पूछा गया प्रश्न है, बस वही पेपर मैं सॉल्व करा रहा हूं आपको, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बढ़िया बढ़िया आंसर दीजिए। तो बच्चों क्या होता है, बादल जब बनते हैं, बादल
जो हिमीकरण स्तर से परे विस्तारित नहीं होते, यही इसका यानी क्लाउड्स विच डू नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द फ्रीजिंग लेवल, फ्रीजिंग लेवल से और आगे ऊपर क्लाउड्स फिर नहीं बनते, ठीक है, बियॉन्ड आगे नहीं जाते, एक्सपांड नहीं होते, एक्सटेंड नहीं होते। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। जहां जरूरत होगी वहां बढ़िया तरह से एक्सप्लेन करेंगे, कुछ बातें जानकारी वाली है तो वैसे आगे बढ़िए। यस, पांचवा प्रश्न क्या बोलता है, भारत के वह कौन सी जगह है जहां शीतकाल में ठंडे समय के मौसम के अंदर, ठंडे समय के अंदर कहा जाए तो टेम्परेचर, टेम्परेचर कम है वहां, प्रेशर उस समय क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है बच्चों, ऐसा कहां होगा, यानी इन सभी में देखो शीतकाल में हाई लेटीट्यूड पर और हाई एल्टीट्यूड पर कौन सा स्थान है, देख सकते हैं आप, हाई लेटीट्यूड हाई एल्टीट्यूड की बात की जाए तो कहा जाए तो यानी कि नॉर्थ की और नॉर्थ मोस्ट में कौन सा स्थान है, ऐसा देख सकते हो आप, कौन सा है, वह है लेह, तो लेह इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, लेह लद्दाख की कैपिटल है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है याद रखना, जो दो डिस्ट्रिक्ट का है, जिसमें दो डिस्ट्रिक्ट है लद्दाख यूनियन टेरिटरी में, कौन सा, एक तो कारगिल वाला और दूसरा कौन, खुद लद्दाख डिस्ट्रिक्ट, ठीक है आगे बढ़िए। यस, बी इज द करेक्ट आंसर, तो वहां क्या होगा, वायुमंडलीय दाब जो है ना वो बहुत ज्यादा महसूस किया जाएगा विंटर सीजन में। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है और बहुत बढ़िया प्रश्न है, यानी कि आपको सुमेलित करना है ए और बी की तरफ, ठीक है, तो दोनों को लिस्ट को सुमेलित करना है, कैसे करोगे, अब इसको पहले देखो हाइपोथेसिस है दोनों, अब ये पहले हाइपोथेसिस देखो और इनको लगाने की कोशिश करो जल्दी से जल्दी। यस, आशीष कुमार, प्रतिभा, वैभव, वनीश, एस के प्रजापत, साहिल, सोम, विशाल, अंकित, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है आपका, बहुत अच्छा बच्चों, देवत बहुत अच्छा, अब इसके अंदर लगाना है क्या आंसर, देखिए और आंसर दीजिए फटाक से, देखो बच्चों प्लानिटरी से आप जो जानकारी है पहले वो लगाना है फिर आंसर आ जाता है अपने आप, मैं देखूंगा एबीसीडी कोड आएगा नीचे, तो इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं बच्चों की जियोसिंक्लिनल ऑर्गन ऑर्गन ओरोजेन, ओरोजेन थ्योरी का मतलब होता है ओरोग्राफी, ओरो का मतलब होता है पर्वत, तो जहां जियोसिंक्लाइन से माउंटेन बनते हैं वह दिया था कोबर ने, सी का फर्स्ट है, सी का फर्स्ट आंसर है, ठीक है अब हमारा आंसर आने लगेगा, कौन सा आंसर आएगा, और इसके अलावा कहा जाए तो थर्मल कॉन्ट्रेक्शन थ्योरी है बी, वह दी है जेफरीज ने फोर, सही है, तो सी का क्या किया हमने, सी का ए ए फर्स्ट कर दिया और बी का क्या कर दिया, बी का फोर कर दिया, तो ऐसा अगर प्रश्न है तो देखो ऑप्शन देखो इसके अंदर, सी का फर्स्ट और बी का देखो है बी का फोर, सी का फर्स्ट और बी का फोर, देखो कौन सा आंसर है, प्रश्न कौन सा, सिक्स, और सिक्स का आंसर क्या बच्चों, ए, याद रखना पीडीएफ भेजी जाएगी उसमें बढ़िया तरह से समझना, कौन सा ए, सी का अपने बी का फोर और सी का फर्स्ट, ठीक है उससे बन गए आंसर, बिल्कुल यही प्रश्न बनने, बाकी सब इसी तरह से आप देखोगे कौन किसका है, आप लगाना है आराम से, ठीक है ना, ए लगा देना सिक्स का ना, ठीक है फिर आराम से देखना इसको, बिल्कुल कुछ नहीं, फिर से देखो बच्चों फिर से देखो कोई बात नहीं, आप इसको आराम से समझना, क्योंकि मैं इसको मुझे पता है कि यह लंबा प्रश्न है और कुछ नहीं है, थ्योरी याद रखनी कौन सी थ्योरी किसने दी है बस, इसमें ऐसा कुछ नहीं, फिर थ्योरी क्या कहती है वो फिर लंबा पार्ट है, यह पार्ट कहां से लिया गया है, ज्योग्राफी का जियोमॉर्फोलॉजी और यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ है वहां से दिया गया बच्चों, प्लैनेट, हाँ प्लैनेट सेमिल हाइपोथेसिस, ग्रह अनुपरिकल्पना किसने दी है, चैम्बरलिन मॉल्टन ने दी है, चैम्बरलिन कहां गया, ये चैम्बरलिन इसने दिए, तो ए जो है टू इसका सही होगा, और हाइपोथेसिस स्लाइडिंग कंटेंट की बात है, कॉन्टिनेंट जो स्लाइडिंग फिसल रहे वह हाल और डाना ने दिया, डाना या डे की वाले डेली और हाँ डाना डेली है ना डी, इसने कहा है कि क्या है स्लाइडिंग करते हैं, कॉन्टिनेंट जो है महाद्वीप जो क्या है वह विसर्पित होते हैं ना, यह डेली ने दिया है यानी कि यह स्लाइड करते हैं, तो बस आंसर बन गया, इसका क्या बनाओगे डी का बना दोगे थ्री, ठीक है जियोसिंक्लाइन का कोबर बना दोगे, थर्मल कॉन्ट्रेक्शन किसको जेफरीज को बना दोगे या फोर, और इसके बाद प्लैनेट यानी ग्रहण परिकल्पना जो है प्लैनेटरी सिमल वह दिया किसने चैम्बरलिन और मॉल्टन है ना, तो या कम से कम या पांच यूनिट को मिला करके एक प्रश्न बनाया है, ज्योग्राफी की जियोमॉर्फोलॉजी का पांच यूनिट ही मिले हैं बच्चों यहाँ, तब जाकर के ये बनाए बड़ा, यानी प्रश्न कैसे आ रहे हैं सीडीएस में आप देख सकते हो, आगे बढ़ते हैं, समझ में कैसे आएगा बच्चों, आनंद कुमार जी समझ में कैसे आएगा, अभी तो स्टार्ट ही नहीं किया है कैसे समझ में आएगा,
तो यहाँ इनकी मैचिंग पेयर थी। अगर थ्योरियां आपके पास में जानकारी थी कौन सी थ्योरी किस व्यक्ति ने दी है तो इसे सॉल्व कर सकते हैं। जब आपको पता ही नहीं, व्यक्ति का नाम भी पता नहीं है तो फिर कैसे करेंगे, तो फिर किसने क्या दिया कैसे बात करेंगे। तो ये आपसे परे था प्रश्न बच्चों, वो पढ़ाया जाएगा तब सीखोगे कौन सी थ्योरी किसने दी, तब सॉल्व होगा। आगे बढ़िए, यस लाइक जरूर करें बच्चों, ठीक है। हाँ मुझे पता है समझ में कैसे आएगा बच्चों, बच्चे खुद परेशान हो जाते हैं फिर कैसे हो जाएगा। देखो आगे बढ़ो, ये प्रश्न का सॉल्यूशन कर सकते। फोटोग्राफर है वो फ्लैश गन से चमकीले प्रकाश का जो प्रकाश निकलता देखा जा सकता है फोटोग्राफर के फ्लैश गन से, और कौन सी आदर्श गैस की उपस्थिति के कारण होता है, तभी जो है फोटोग्राफी प्लेट से बढ़िया तरह से फोटो सामने आता है ना। हाँ सबकी प्रॉब्लम है बच्चों, बात सही कह रहे हैं, बिल्कुल आशीष जी सही कह रहे हैं, प्रॉब्लम सबकी है बच्चों। क्यों प्रश्न इतने खतरनाक है, क्या किया जाए ना। हाँ अब जो जब पढ़ाया जाएगा एक एक थ्योरी तो समझोगे क्या बोलता है क्या थ्योरी, वो तो आप डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें कौन वह गैस है बच्चों, जिनॉन, क्योंकि वह ज्यादा स्टेबल होती है और ज्यादा स्टेबल होती है तो चमकीला प्रकाश निकलता है। याद रखना क्या है, फोटोग्राफिक ग्राफर के फ्लैश गन के अंदर जिनॉन को यूज किया था थोड़ी मात्रा में, यानी कि थोड़ी मात्रा में यानी कभी कभी नियॉन का भी यूज करते हैं, लेकिन जिनॉन इज द बेस्ट आंसर, तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं, हाँ बी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, बिल्कुल। वैसे नियॉन को भी यूज किया जाता है लेकिन करेक्ट आंसर बी। आगे बढ़िए, क्या प्रश्न बोलता है देखो, इसमें से कौन सा जो कंपाउंड नहीं है, यानी कौन सी ऐसी करेक्टरिस्टिक है जो कंपाउंड की नहीं है। कंपाउंड की करेक्टरिस्टिक क्या होती है बताइए, जरी बताइए, जरूर बताइए ना, और लाइक करते जाइए, यस बताइए फटाक से बताइए बच्चों। कंपाउंड की वह एक वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूंट होता है, कौन सा यौगिक, बिल्कुल बात सही है, वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब चेंज होने की बात, ठीक है बिल्कुल। दूसरी बात की ऑल पार्टिकल ऑफ कंपाउंड आर द ऑफ ओनली वन टाइप्स, यानी यौगिक के जो सभी कण होते हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं, प्रकार रहे ये ना, एक ही प्रकार के वन टाइप से ही होते हैं, ये बात रॉन्ग है बच्चों। क्यों कि किसको बोलते हैं कंपाउंड, जैसे देखो देखो यहां समझो, यानी जैसे H2O क्या है, H2O तो यह एक कंपाउंड है, यानी कि पानी है, यानी कि यह क्या हाइड्रोजन के कितने अनुपात 2:1 और ऑक्सीजन का कितना रेशियो 1:1, तो 2:1 से यह बना है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल जब एक फिक्स रेशियो के अंदर मिलते हैं तो वह कंपाउंड बनता है। इसने क्या कह दिया, एक ही प्रकार के यानी ओनली वन टाइप ऑफ एलिमेंट के बारे में कहा, तो यह बच्चों पहली बात यहां ये गलत होगी। दूसरा फिर क्या है, यौगिक के कणों में 2 या 2 से अधिक ऐसे अधिक तत्व होते हैं, बात सही है बिल्कुल, यहां सही कह, और अवयवों को पृथक नहीं किया जा सकता है भौतिक विधियों से, यानी सामान्य भौतिक विधियों से, इन्हें जनरली यानी गर्म करना है या ठंडा करना, नॉर्मली ऐसे नहीं किया जा सकता, उनके लिए स्पेशल विधियां मेथड्स अपनाने पड़ते हैं, ठीक है बिल्कुल ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर, बी गलत है बिल्कुल, बी एलिमेंट्स मतलब, यानी सभी यानी यौगिक के सभी कण केवल एक ही प्रकार के होते हैं, यह रॉन्ग है। कण कैसे होंगे, डिफरेंट जैसे ऑक्सीजन है, अमोनिया है, देखो अलग अलग मॉलिक्यूल से अलग अलग एलिमेंट से बने हो रहे, ठीक। आगे बढ़ते, बी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, यानी कि यह बात गलत है, रॉन्ग है ना, एक ही प्रकार के नहीं होते, ठीक अच्छी बात। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखो, आंसर दीजिए फटाक से बच्चों, हाँ बिल्कुल, यानी कि हार्डनेस, कैसी हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस की बात की है बच्चों, किसके अंदर, पानी में, वो कौन कौन से एलिमेंट है जिसके कारण टेम्पररी हार्डनेस होती है, यानी कि अस्थायी कठोरता होती है पानी की, वो क्या यहाँ रीजन है बताना है आप, ठीक। अब यहाँ पहले को देखो, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दूसरा क्या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये दो ही वो कारण है, यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण टेम्पररी हार्डनेस होती है, उनको गर्म करेंगे ना बच्चों, गर्म करने पर वह हार्डनेस और वियोजित हो जाएंगे, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे, और वह हार्डनेस जो चला और पेशी पिटेट हो जाएंगे, नीचे जम जाएंगे, यानी ए और बी इज द करेक्ट, फर्स्ट और सेकंड सही है, फर्स्ट और सेकंड कहाँ है, फर्स्ट और सेकंड कहाँ है, डी, तो डी इज द करेक्ट आंसर, 9 का क्या है, डी, ओके डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न क्या है देखो और आंसर देना, पहले तो इसको समझना है, पहले प्रश्न समझो फिर मैं ऑप्शन बताता हूँ सारे। प्रश्न बोलता है कि कैल्शियम जो है, कैल्शियम परमाणु का
अपने परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर जो है 20 है और इसी का द्रव्यमान संख्या है 40 और इसका क्या है ए, ए का मतलब एटॉमिक मास कितना है वह है 40 यानी कि डबल है उसका, ठीक है। तो उसने ये बताया कि उनमें से कौन सा वो तत्व है, इसमें लिखा हुआ है वो जो कि कैल्शियम का समभारिक परमाणु है, समभारिक का मतलब आइसोबार की बात है, आइसोबार कौन है इनमें से, तो एटॉमिक नंबर जिसके अंदर जो एटॉमिक नंबर तो क्या होंगे उसका कोई लेना देना नहीं एटॉमिक नंबर का, लेकिन एटॉमिक मास बराबर होना चाहिए यानी 40 होना चाहिए क्योंकि इसकी भी क्या है इसका भी 40 है, तो उसका भी दोनों को जोड़ोगे तो 40 बनेगा, वह कौन सा है यानी उसमें हमें क्या बताना है उसमें एटॉमिक हाँ उसको समभारिक परमाणु को बताना, बच्चों आइसोबार को बताना, ये प्रश्न जैसे यहाँ है आइसोबार, आइसोबार किसको बोलते हैं यहाँ आपको ये डेफिनेशन आनी चाहिए तब इसको सॉल्व कर पाओगे, तो मैं ये बताता हूँ आइसोबार किसको बोलते हैं, आइसोबार का मतलब क्या बच्चों ये ध्यान से समझना कि आइसोबार का मतलब जिसके अंदर ए सेम हो यानी परमाणु भार सेम हो यानी कि प्रोटोनों प्लस न्यूट्रोनों की संख्या जो है ना दोनों को मिला करके जितना आएगा जो इसमें है, तो इसमें कितना है यह 40 है, तो यानी कि इस ऑप्शन के अंदर जिसमें प्रोटोन और न्यूट्रॉन दोनों मिला के 40 होंगे ना वह आंसर सही होगा, कहने का मतलब ये। तो अब यहाँ मैं ऑप्शन देता हूं आपको, देखिए यह आंसर ऑप्शन दीजिए, देखो यह अपने ऑप्शन आपके सामने आंसर दीजिए फटाक से, हाँ बिल्कुल अब आप मैंने सॉल्व बिल्कुल है ना, अब आप दे सकते हैं दोनों कितना होने चाहिए 40, कहाँ हो रहे हैं किसमें हो रहे हैं, देखो इसमें नहीं हो रहे हैं, इसमें भी नहीं हो रहे, इसमें भी नहीं हो रहे, इसमें 18 और 22 दोनों मिल गए कितने हो गए 40, आंसर गया डी, बिल्कुल आसान था ना, हाँ लेकिन फिर भी जानकारी रहनी जरूरी थी। आगे बढ़िए, यस अगला प्रश्न क्या है देखो 11 प्रश्न बिल्कुल यस लाइक कर दे जाए बच्चों, क्या है देखो नहीं आंसर सही आ रहे हैं बिल्कुल ठीक आ रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं वैभव यादव बहुत अच्छा वेरी नाइस ना, हाँ एक्सप्लेन किया आपने अच्छा, यानी उष्मा हीट यानी उष्मा हानि हीट लॉस बराबर हीट गेन, जितनी हीट लेते हैं उतनी हीट जो है लॉस होती है, ठीक है जितनी प्राप्त करते हैं उतनी वह बराबरी लॉस होती है। अब यह संबंध इसमें से किसके रूप में निरूपित होता है, कौन इसके अंदर बताता है कि यह बात सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ रिलेशन फॉर इस रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो वह है बच्चों कैलोरी, कौन प्रिंसिपल ऑफ कैलोरी मेट्री कैलोरी मिति का सिद्धांत, ये बताता है कि जितना आया उतना गया, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके आगे बढ़िए, हाँ अगला प्रश्न क्या देता है पहले इसको समझना, खतरनाक प्रश्न है बच्चों अच्छा खासा, ठीक है तो देखो ये ऑप्शन आपके सामने क्या है, थोड़ा सा मैं ऊपर ले लूं, क्या टू मेटलिक वायर है मेड फ्रॉम द कॉपर उसके कैपर से बने, अब देखना है उसकी लेंथ के बारे में कहा है रेडियस के बारे में कहा है क्या बोला है इसने और क्या बताना है आपको, एक साथ में कैसे में लगाया याद रखो श्रेणी के अंदर सीरीज के अंदर इन्हें लगाया गया है, तो ये बताना है बच्चों रेसिस्टेंस टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा, आंसर दीजिए फटाक से, यस सीरीज में लगाया बच्चों जोड़ना है ना, हाँ और कैसे प्रश्न आएगा इसके बारे में भी जानकारी लेनी, यस बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है ये शानदार, तो बताना है जल्दी से जल्दी बताइए बच्चों क्या होगा इसका आंसर फटाक से, यस किस बच्चों ने आंसर भी दे दिया है यानी कि क्या होता है देखो आर बराबर क्या होता है रो रो अच्छा ऐसे लिख दो रो या रो कर दो ऐसे और एल अपॉन ए ये इसका आंसर जाएगा, अब देखो क्या है यहाँ सबसे पहले तो इसमें क्या करोगे पहले इसको समझना है फिर समझ पाओगे यह, ठीक है ऐसे क्या आएगा पहले का क्या है उसका रेडियस क्या हो रही है तो रेडियस क्या होती है उसकी 1/2 हो रही है यानी कि क्या हो रहा है बस बच्चों आर क्या होता है आर का मतलब ए का मतलब क्या है ए का मतलब एरिया ए का मतलब यानी कि पाई आर स्क्वायर की बात है आर स्क्वायर का मतलब समझ रहे हैं आर का रेडियस क्या होगी रेडियस वहां क्या हो रही है वहां दुगनी डबल की बात है इज द हाफ ऑफ द टोटल पहले की क्या होगी आधी आधी का मतलब क्या हो गया यहाँ यह समझना है तो यानी आधी का मतलब आर का मतलब 2 तो 2 का क्या हो गया 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया यानी 1/4 हो गया ये 1/4 ठीक है। अब बात करेंगे किसकी इसके अलावा दूसरा कौन सा यह जोड़ दो एक पहले एक है क्योंकि डबल की बात है दोनों को सीरीज में लगाया है इन दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 5/4 तो 5/ पहले का कितना 5/4 आ रहा है यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर बिल्कुल बच्चों ने बहुत सही आंसर दे दिया है बहुत सारे बच्चों ने आंसर सही दिया है बच्चों बिल्कुल तो आंसर करेक्ट कौन सा हो गया सी इज द करेक्ट आंसर ठीक है इसको जोड़ोगे तो कितना का 5/4 आर सी इज द करेक्ट आंसर ठीक है। आगे बढ़िए बच्चों देखो फिजिक्स के अंदर केमिस्ट्री के अंदर
हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस सब के अंदर ऑलराउंडर बनना पड़ता है, ऑलराउंडर ऑफिसर बनता है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न, ये तो आसान प्रश्न है लेकिन बढ़िया प्रश्न है, आंसर दीजिए। हाँ, रॉयल पोनी, ठीक है बिल्कुल। क्या कहा, सुबह और शाम यानी इवनिंग और मॉर्निंग में जब सन जो डूब रहा है, सनराइज और सनसेट हो रहा है, उस पीरियड में लालिमासी होती है ना, रेडिश होता है एरिया, ऐसा क्यों होता है, ऐसी क्यों कारण होता है, ये कई बार मैंने प्रश्न करवाया। स्कैटरिंग, स्कैटरिंग ऑफ निकाला लिखा लाइट यानी प्रकाश का क्या होता है, फैलाव, या प्रकीर्णन, प्रकीर्णन प्रकाश का प्रकीर्णन, डी इज द करेक्ट आंसर। अरे डी इज द करेक्ट ना, फैलाव स्कैटरिंग है ना, डिस्पर्सन अलग है, स्कैटरिंग उसका क्या होता है, फैलाव होता है, बिल्कुल डी इज द करेक्ट आंसर बच्चे। 9D, D, 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 हाँ ऐसे नहीं बच्चे, हाँ स्केटिंग, हाँ बिल्कुल। इंग्लिश के अंदर कुछ ऑप्शन में फर्क आया है ना, डी इज द करेक्ट स्क्रेटिंग ऑफ लाइट, हाँ स्क्रेटिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्सन नहीं, डिस्पर्सन का मतलब तो फिर फैलाव होता है, हिंदी को देखोगे तो गलत हो जाएगा, इंग्लिश देखोगे तो सही हो जाएगा, यही बच्चों राज होता है, इंग्लिश में ऑप्शन को देखना जरूरी होता है, बिल्कुल। आगे अगला प्रश्न, बहुत गजब है, शानदार प्रश्न है बच्चों, आने लायक और आवश्यकता इस बार वापिस आ जाए आपके कॉम्पिटिशन में। क्या दिया है, लिस्ट दी है ए और बी को, इसे क्या करना है, इससे करना है मैचिंग, मैचिंग पेयर वाले, मैचिंग पेयर वाले प्रश्न आते हैं, मुझे भी अच्छा मजा आता है क्योंकि वहां समझाना अच्छा पड़ता है, वहां मजा आता है बताने का। ठीक है, बताओ, यस पहले मैं आपको खुला छोड़ता हूँ, फिर बताओ, फिर मैं इसका आंसर दूंगा। हाँ हाँ, हिंदी देख के गलत हो जाता है, सही कहा बच्चों आपने, हाँ हो गया बच्चों, होता है ऐसा होता है, एग्जाम में इंग्लिश को जरूर देखना है ना, हर में नहीं जहां पर थोड़ा कंफ्यूज हो बच्चों। सीरस किसको बोलते हैं, सीरस यानी ये क्या, ये बादल के टाइप से, और ये उन बादलों की विशेषता है। सबसे पहले याद क्या रखना, नींबू, 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 नींबू में रस, रस का मतलब पानी, समझ रहे हैं, तो जो निम्बस होगा वो पानी देगा, निम्बस नहीं होगा वह पानी नहीं देगा, ऐसे ही बादल जो निम्बस बादल होते हैं, निम्बस क्लाउड्स होते हैं, वो रेनफॉल करते ही हैं। तो पहले ये देखो कहाँ, ऐसे देखो मैं सिखा रहा हूं आपको, तो निम्बस यानी कि वर्षा में एक वर्षा ही वही वर्षा करवाएंगे, बाकी कोई वर्षा नहीं करेंगे, यहाँ कहाँ है वर्षा रेनफॉल देने वाले, आ गया पहले ही, बिल्कुल पहला यह हो गया। दूसरा क्या करोगे देखो, दूसरा क्या है, स्ट्रेटस यानी स्तरित, स्तरित यानी कि वो हॉरिजॉन्टल फैले होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल फैले होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, स्तरित यानी स्ट्रेटस, स्टेटस को कहा हॉरिजॉन्टली कौन फैले हुए हैं, ये आपका आंसर गया यहाँ। ठीक, आगे बढ़ते हैं, उसके बाद कॉलुमस, कॉलुमस का मतलब ऊपर की ओर ऐसे कपासी मेघ होते हैं जो खड़े होते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल ना होकर के वर्टिकल होते हैं कॉलुमस, तो यह कॉलुमस कपास के जैसे होते हैं, कपास के जैसा होता है ना, कपास रुई जैसे होती है, ऐसे 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 इस प्रकार के ऐसे 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 वो बादल दिखते हैं ऐसे। ठीक, यानी ये कपासी मेघ क्या होते हैं, वर्टिकल, यानी कि कौन सा गया आंसर, आंसर गया इसका सी यानी थर्ड, निम्बस का कौन सा गया, ये स्टेटस का कौन सा गया था, ये ओरिजेंटल, और अब कौन सा बचा, सीरस, सीरस का मतलब पक्षमाभ, पक्षमाभ ये पक्षमाभ, ये ऐसे ही कर दो, लिखने में हिंदी में गड़बड़ हो जाती है, पक्षमाभ, पक्षमाभ का मतलब पक्षियों के पंख की तरह, पक्षमाभ बादल यानी कि सीरस बादल, कहां लिखा है, फीदर पंख के समान, ये इसका गया आंसर। ये अब देखो क्या करोगे इसका, तो क्या लिखोगे, पहले का दो, फर्स्ट का सेकंड, ए का सेकंड, बी का कौन सा फोर, और सी का फर्स्ट, और डी का कौन सा, डी का थ्री, तो क्या लिखोगे इसको, टू, हाँ क्या बनाओगे, टू टू फोर, टू फोर वन थ्री, टू फोर वन थ्री, कहाँ दिया है टू फोर वन थ्री, तो देखो टू फोर वन थ्री, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, पकड़ में आ गया बच्चों का, ठीक है ना, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ तो ऐसे करना है बच्चों, हाँ ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन पहले जब कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं बच्चों, तो आपको सारे ऑप्शन आने चाहिए, जरूरी है, और नहीं आते तो उसको सीखो वहां से, और जब एग्जाम में करेंगे तो उससे पकड़ लेंगे, ऑप्शन से पकड़ लेंगे ना, क्योंकि एक पकड़ में आ जाएगा और दूसरा पकड़ में आ जाएगा, लेकिन तीसरे को पकड़ने में वापस जरूरत पड़ेगी, तो दो आपको आने चाहिए, बड़ी जरूरी है, और दो तो कभी आएंगे, लेकिन तीन आएंगे तो चौथा अपने आप बैठ जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, आगे बढ़िए, अगला प्रश्न क्या है,
एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होते हैं ये आर्थिक विशिष्ट क्षेत्र होते हैं, यानी विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र कहां पर है, या कोस्टल एरिया की बात है बच्चों, कोस्टल एरिया यानी समुद्र के तट रेखा है उसके समुद्र के अंदर उनका एरिया होता है, कभी 12 किलोमीटर 24 किलोमीटर आगे जैसे जैसे फैलाव ना उसका 200 किलोमीटर तक ऐसे अलग अलग फैलाव, तो उसमें कौन सा वो काम नहीं होता है, कौन सा उसका अधिकार क्षेत्र के अंदर नहीं है, इसको समझना है। ठीक है, तो इसको देखे और आपको आंसर देना है। क्या लिखा है, महासागरीय निक्षेपों का खनिजों का संसाधन का सर्वेक्षण और दोहन, तो यह उसका काम नहीं है बच्चों। ठीक है, यही रॉन्ग आंसर है, यानी कि यही बताना ए ही इसका प्रश्न का आंसर है। दूसरा क्या है, वह मत्स्य यानी ऊर्जा की बात की जाए, समुद्री जल की ऊर्जा और फिशरी की बात की जाए तो वह उसका दोहन कर सकता है, समुद्री संसाधनों का संरक्षण प्रबंधन कर सकता है, और इसके अलावा जहाजों का नौ संचालन और समुद्री तारों को स्थापित किया जा सकता है, यह काम किया जा सकता है, सब मरीन केबल लगाई जा सकती है, यह काम होता है। लेकिन क्या नहीं होता है, कौन सा संबंध नहीं है, तो उसका सर्वेक्षण। महासागरीय निक्षेप, महासागरों के अंदर निक्षेप होंगे वो, तो उनका सर्वेक्षण और उनका दोहन नहीं कर सकता है। ए इज द रॉन्ग, ए इसका रॉन्ग आंसर बच्चों। ठीक है, डेंजर प्रश्न है, कुछ कुछ बच्चों ऐसे प्रश्न करने पड़ते हैं जिसकी जरूरत भी ऐसी लगे। अच्छा प्रश्न है, बताए ना, भारत में फिफ्टीन को क्या है। अच्छा बच्चों, ई जब ई जेड पढ़ोगे तब ये समझ में आएगा, ये टॉपिक है, पूरा टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा तब समझोगे, है ना, ऐसा समझ में नहीं आएगा आपको, मुझे पता है, टॉपिक लेना पड़ेगा। आगे बढ़िए, यस क्या है, ICZM यानी कि इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन जो है वह एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लगाया गया है, वो कहां लगाया जा रहा है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, एक योजना है बच्चों जिसमें क्या किया जाता है, तटीय क्षेत्र कोस्टल एरिया का क्या किया जाता है, प्रबंधन किया जाता है, और वो कहां किया जाता है इसके अंदर बताना आप, देखिए जल्दी बताइए। यस, तो इसके अंदर बिल्कुल गुजरात में तो गुजरात में तो और भी बहुत सारे लिखे, गुजरात के अलावा एक तो गुजरात, एक उड़ीसा और एक अपने वेस्ट बंगाल वाला एरिया है ना बच्चों, वहां यह पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लगाया गया था। सी इज द करेक्ट आंसर बिल्कुल। अब देखो क्या कि ये तो जानकारी थी, करंट अफेयर्स की जानकारी है, और यह वैसे ICZ अपने M का इसका पता होना चाहिए, क्या चीज है समझेंगे तब समझो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, और आजकल बहुत ज्यादा एग्जाम में आ रहा है, कारण क्या हॉट टॉपिक बन गया ये। आगे बढ़िए, नेक्स्ट अगला प्रश्न बहुत अच्छा है, शानदार प्रश्न बच्चों, क्या दिया इसने, इसके अंदर है NWA यानी कि नेशनल वाटर एकेडमी कहाँ है, क्या काम करती है, इसके बारे में इज और आर करेक्ट, वो कौन सा सही है इसमें, नेशनल वाटर अपने एकेडमी राष्ट्रीय जल अकादमी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, तो देखो दोनों कथन देखो, और दोनों कथन पहला क्या है, पहला ये है आप जो देख रहे हैं, यानी जल संसाधन के विभिन्न पहलुओं पर केंद्र और राज्य संगठनों के सेवारत अभियंताओं के लिए प्रशिक्षण ट्रेनिंग सेंटर है, और इसके अलावा उत्कृष्ट केंद्र के रूप में काम करना ये उसका काम है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है कि वह यानी NWA लोकेटेड इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर वह स्थित है इसका हेडक्वार्टर या वह इंस्टीट्यूट या एकेडमी, इन दोनों में से कौन सा सही है। ठीक, तो इसका आंसर बच्चों आप ऐसे कैसे आंसर निकाल दोगे इसका, जब पूरी जानकारी इसके बारे में होगी नहीं तो बच्चों। बिल्कुल हितेश रायर ने बहुत शानदार बात कही बच्चों, बिल्कुल बहुत सही है ना, वैसे आंसर काफी बच्चों का सही है, लेकिन इसके अंदर यह नई दिल्ली यानी कि NWA नेशनल वाटर एजेंसी जो है राष्ट्रीय जल अकादमी, वह खड़गवासला कहां, NDA पुणे, वहां है वो, और वह इंडिया का सेंट्रल गवर्नमेंट का बड़ा जो ट्रेनिंग सेंटर है, जो लोगों को वहां ट्रेनिंग दी जाती है किससे, जो इससे संबंधित होते हैं वाटर से, अपने मैनेजमेंट और उसकी चीजों से जानकारी होती है। तो कौन सा सही गया, आंसर ए गया, यानी कि क्योंकि ये तो रॉन्ग हो गया, तो बी जहां यानी दो जहां भी अब रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, और पहला तो सही था, इसका आंसर क्या गया, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़िए, अगला प्रश्न क्या है, यह शानदार प्रश्न बच्चों, क्या दिया है, इस प्रश्न को पढ़ना है और इसका आंसर देना, पहले तो पढ़ना फिर मैं इसके ऑप्शन बताऊंगा क्या है। ठीक है, तो एक कॉपर का वायर है जो लेंथ क्या है इसकी, जो है एल इसकी लेंथ, और एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है उसका ए है, उसके अंदर क्या करंट फ्लो हो रही है, और फिर क्या कहा उसने कि पावर डिसिपुटेड इन द वायर पी, अब क्या कहा उसके अंदर इसको समझना है। देखो आपको मैं समझाने की बात, पहले पढ़ोगे तो समझोगे आप,
बिल्कुल सही कहा आपने, सबको दी जाती है ट्रेनिंग। हाँ तो क्या होगा ऐसी कंडीशन में, एल्यूमिनियम का तार ले लेंगे अगर उसकी जगह हम, तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसको समझना है। पहली बात को इसको समझोगे और क्षय हुई पावर कितनी होगी, तो पावर का क्या होगा, रेजिस्टेंस जिसमें ज्यादा तो पावर उसके अंदर क्या होगा, ज्यादा खर्च होगी बच्चों, सीधी सी बात है। इसका फॉर्मूला क्या लगाओगे, कैसे पता करोगे इसका, अब देखें तो उसके अंदर लॉस कितना होगा, पहले इससे ज्यादा होगा पावर के अब कम होगा, तो इसमें यह देखना है कॉपर और क्या है दूसरा, क्या है दूसरा है एल्यूमिनियम, ठीक है। अब क्रॉस सेक्शन के अंदर कोई चेंज किया हमने, नहीं किया, लेंथ में चेंज किया नहीं किया, तो इसमें चेंज किया क्या है, चेंज किया क्या है हमने, यानी कि उसकी जगह वायर चेंज किया है, तो इसका देखो ऑप्शन देखो, हाँ बिल्कुल आपके सामने ऑप्शन है बच्चों ना, ऑप्शन देखोगे आंसर दो इसका, तो पी बराबर क्या होता है पावर, पी बराबर क्या हो जाता है वीआई होता है कि वीआर, हाँ पी बराबर पावर इज इक्वल टू क्या होता है पावर, किसमें हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी करंट की बात करते हैं, तो पावर पी बराबर वीआई होता है वीआई, ठीक। इसका मतलब इसके अंदर अभी भी बात पूरी नहीं हो रही है, अब समझना है v बराबर क्या होता है, v इज इक्वल टू क्या होता है r i, v इज इक्वल टू r i होता है, r बराबर v पर हम, बिल्कुल सही है ना, जितनी जितना वोल्टेज बढ़ाओगे उतनी धारा बढ़ेगी, ओम का नियम बोल रहा है, तो v इज इक्वल टू r i होता है। अब v का यहां पुट कर दो, यहां पुट वैल्यू करोगे तो ये क्या होगा r i हो जाएगा, तो ये क्या स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्या बनेगा r इनटू कर दो कोई बात नहीं i स्क्वायर। इसने क्या बोला, इसका मतलब रेसिस्टेंस जितना ज्यादा होगा ठीक है उतना ही क्या है पावर ज्यादा होगी, इसे पता चल रहा है। तो अपने रेसिस्टेंस ज्यादा किसका हो रहा है, ज्यादा यानी एल्यूमिनियम का रेसिस्टेंस ज्यादा होगा कॉपर से, नहीं कहा था सबसे बेस्ट कौन सा है सिल्वर, फिर कौन है कॉपर, फिर कौन होता है एल्यूमिनियम, ठीक है। तो इसके अंदर क्या रेसिस्टेंस ज्यादा है, रेसिस्टेंस ज्यादा तो पावर भी ज्यादा कंज्यूम होगी, यानी पहले से ज्यादा कंज्यूम होगी, यानी क्षय होगी क्या होगी पी से ज्यादा होगी पहले से, सी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है मोर रेजिस्टेंस होगा, बिल्कुल सी इज द करेक्ट। देखो प्रश्न फिजिक्स से और केमिस्ट्री से ये प्रश्न ऐसे आ रहे हैं, अभी तो हमने जो है बाकी जो है जीएस वाले पार्ट में कम गए हैं, अभी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस का और उसके तो प्रश्न नहीं दिए जा रहे, जैसे जैसे प्रश्न पेपर में आए वैसे वैसे मैं ला रहा हूं 20-20 बच्चों, ठीक है आगे बढ़िए। अगला प्रश्न क्या है देखो और आंसर देना इसका, ठीक है तो आंसर इसका दे दिया हमने, इसको समझो और आंसर दो जल्दी से, ये तो आप कर सकते हो। क्या दिया है, किसी दाब, किसी द्रव का दाब यानी प्रेशर गहराई के साथ इस रूप में परिवर्तित होता है बदलता है, तो P जो है उस द्रव का घनत्व है, यह रो के रूप में कहा गया है ना, और यह व्यंजक किससे संबंधित है, यह थ्योरी किसने दी है, P इज इक्वल टू पी जीरो प्लस रो जी एच, ये रो है घनत्व उसका रो, ठीक है रो जी एच, तो बताना है यह बच्चों कौन है यह, बिल्कुल पास्कल लॉ है, बहुत बच्चा बहुत अच्छा वेरी नाइस, बहुत सारे बच्चों ने आंसर भी दे दिया पास्कल लॉ है, पास्कल लॉ है ये, यस बिल्कुल आगे बढ़िए। अगला प्रश्न क्या है देखो 20 क्या बोलता है, 20 और 20 के आंसर को देना है, देखो ये कंसीडर करना है क्या करना है, ये गैसें कौन कौन सी है और इसके ऊपर विचार करना है जल्दी से जल्दी, बिल्कुल बहुत अच्छा वेरी नाइस, यह आप ध्यान से समझना, यह आयतन वॉल्यूम के परसेंटेज के आधार पर है बच्चों, वॉल्यूम के परसेंटेज के आधार पर। अब वॉल्यूम ज्यादा किसका होगा, वॉल्यूम ज्यादा किसका होगा, तो डेंसिटी से ले सकते हैं बच्चों कि डी डी, देखो डी बराबर क्या होता है एम अपॉन वी, यानी कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसका वॉल्यूम क्या होगा, उसका वॉल्यूम कम होगा, याद रखना इसकी जिसकी डेंसिटी कम होगी उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, ठीक पहली बात। और डेंसिटी ज्यादा किससे संबंधित है, यह मास से संबंधित है, देखो ये डायरेक्टली रिलेशन है इसका, इसका मतलब मास की बात है, यानी यहाँ यहाँ क्या लगाना है, कॉन्सेप्ट क्या लगाओगे, यहाँ लगाओगे परमाणु क्रमांक, यानी कि जेड को दिखाना है, जिसका जेड कम उसका वॉल्यूम ज्यादा, ठीक है तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा। जेड सबसे कम किसका है, यहाँ देखो तो हाइड्रोजन और हीलियम, हीलियम तो दूसरे नंबर पे बैठा है, तो हीलियम सबसे ज्यादा होगा वॉल्यूम, सबसे ज्यादा का मतलब ये कौन सा है आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर है, यानी सबसे लास्ट में जाएगा, तो हीलियम सबसे लास्ट, तीन सबसे लास्ट में जाएगा, तीन सबसे लास्ट में जाएगा, इसका मतलब इनमें से आंसर है, पकड़ में आया। और उसके बाद हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और फ्लोरीन और नियॉन, दूसरे नंबर आ गया कौन सा गया, देखो नियॉन का गया, नियॉन का मतलब क्या, नियॉन गैस है यानी सेकंड नंबर पर ही आ गया, ये अब ज्यादा होगी तो इसका मतलब बी आंसर वैसे आ गया। तीसरे पर कौन है आर्गन, अपने कार्बन डाइऑक्साइड, चौथे पर आ गई आर्गन, यानी कौन सा गया बी इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल क्वेश्चन सही है, समझने पड़ते बच्चे। अब आप ऐसे नहीं, कहीं परसेंटेज नहीं लिखा होगा, किताबों में भी कहीं नहीं लिखा है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट समझोगे तो आंसर आएगा आपके सामने। तो ये थे बच्चों हमारे आज के 20 प्रश्न, कैसे लगे, किस बच्चों के कितने सही हुए कितने गलत हुए, मैंने यहीं पर आपका आंसर भी बता दिया सबके, ठीक है। ये मुझे बताइए और फिर आगे चलते हैं, कॉन्टिनेंट चल रहे हैं और स्टार्ट करते हैं कॉन्टिनेंट अफ्रीका को, तब तक मुझे बताइए कितने आंसर सही हुए। सर विल यू टीच बायोलॉजी? हाँ बिल्कुल बायोलॉजी पढ़ाएंगे, लेकिन बायोलॉजी के अभी पहले प्रश्न करवा रहा हूं मैं, कम से कम 2 सालों के पेपर चलेंगे पहले, यानी कि अभी यह 2018 का फर्स्ट और सेकंड देखेंगे और उसके बाद बायोलॉजी भी पढ़ाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल टाइम तो आने दो, टाइम आने दो। 17 सही है आशीष कुमार, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस बच्चे। पीडीएफ भी भेज दी जाएगी, बेफिक्र है, चिंता ना करें, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। अब मैं चलता हूं, कहां पहुंच जाते हैं हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट की ओर, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में जानकारी लेते हैं। चलिए यस लीजिए जानकारी क्या है, देखो देखो मैं शुरुआत से स्टार्ट कर रहा हूँ, सिर्फ जो है 2 मिनट रिपीट करूंगा फिर वापस आगे चलेंगे। देखो हमने यार इसके बारे में, एक कंट्री है और इसकी कंट्री की कैपिटल जानकारी लेनी थी आपको, मैंने कहा था याद करना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम है, कैपिटल की जान प्रश्न भी पूछे जाते हैं कौन कौन सी किसकी कैपिटल है, ठीक है, क्योंकि चीजें बहुत लंबी हो जाएगी, इसी चीज लिए मैं जो खास खास बातें वो आपको जानकारी देता चलता हूँ। अगला देखिए, या फिजिकल के बारे में मैंने बात की थी आपसे, रिपीट करने की जरूरत पड़ेगी। देखिए इसके बाद में हमने इसके बारे में बात की क्या क्या, इस नॉर्थ वाले पार्ट को हमने लिया, अब कल हमने क्या था, क्या कहा था बारे में, यहीं से हम बताता हूं मैं आपको, पहले रिवर्स के बारे में यहां से जानकारी। तो यह ऑप्शन ध्यान से देखो, कौन कौन सी रिवर है। हाँ नेवी के अंदर आते हैं कैपिटल के, बिल्कुल सही कहा, नेवी में भी आते हैं और यानी और कंपटीशन डिफेंस में सब में आते हैं बच्चों, हर कंपटीशन में पूछा जाता है ना। अब देखिए सबसे पहले इंपोर्टेंट रिवर कौन कौन सी, इसके बारे में जानकारी लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं बच्चों कौन कौन सी रिवर है, रिवर के बारे में नाम, तो रिवर्स लिख देना, रिवर्स किसकी रिवर्स है, अफ्रीका उसकी रिवर्स है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं ये वाली लेक, विक्टोरिया लेक है और यहां से निकल रही है, क्या निकल रही है, नाइल। तो कहां से आ रही है, स्टार्ट करना है विक्टोरिया झील से, विक्टोरिया लेक से चलती चलती कहां जाती है, मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर में जाके गिरती है, याद रखना इंपोर्टेंट बात है, भूलना नहीं है। साउंड डिस्टर्बेंस आ रहा है, कैसे आ रहा है साउंड डिस्टरबेंस ना, देखते हैं जानकारी लेते हैं ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा अच्छा ठीक ठीक अब ठीक हो जाएगा ना, अब ठीक हो जाएगा। चलिए याद रखना पहली बात, एक एक को समझाऊंगा, पहले यहां से ध्यान समझना, ये क्या नाइल रिवर है, दुनिया की सबसे लंबी नदी, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ ऑफ द वर्ल्ड, पूरी कौन है, यही नाइल रिवर है बच्चों। ये नाइल रिवर यहां से जब निकलती है तो इसका नाम है, यह क्या नाम है, इसका नाम है व्हाइट नील, याद रखना यह है व्हाइट नील, और यहाँ इथोपियन आइलैंड से ताना एरिया से आ रही है, इसका नाम यह आकर के इसमें मिलती है, इसका नाम है ब्लू नील। तो व्हाइट और ब्लू दोनों हैं और दोनों आकर के मिलती है कहां, जिस जगह पर, उसका नाम है खारतूम, याद रखना यह खारतूम है, यह खारतूम, यह नॉर्थ सूडान या सूडान की कैपिटल पड़ती है, वहां जाके मिलती है, और उसके बाद में यह एंट्री कर जाती है कहां बच्चों, उसके बाद में यह इजिप्ट में जाती है, और इजिप्ट में उसमें नॉर्थ में जाने पर यह एक डैम बना है, यह इस जगह डीप इजिप्ट में, और उसका डैम का नाम है आसवान बांध, याद रखना यह आसवान, तो यह आसवान या आसवान डैम, तो आसवान एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, आसवान डैम कहां है, इजिप्ट में पड़ता है, और यहाँ डैम बनाने के कारण यहाँ एक लेक बनी नीचे, पानी यहाँ इकट्ठा हुआ, और इसका नाम दिया गया क्योंकि डैम बनाया था कर्नल नासिर जो वहां के प्रेसिडेंट थे, इसलिए इनका नाम है नासिर लेक, नासिर झील, याद रखना जिस, यस। उसके बाद यहीं पर इसी की कैपिटल पड़ती है केरो काहिरा, और फिर पड़ता है अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया एक इंपोर्टेंट शहर है यहाँ टर्मिनल पर, और ये फिर जाकर के गिर जाती है डेल्टा बनाते हुए, ठीक है, चापाकार डेल्टा बनाती है, डेल्टा टर्म नील नदी के इसी डेल्टा से हेरोडोटस ने दिया है बच्चों, ठीक है।
तो डेल्टा शब्द भी यहीं से आया है, ये नाइल रिवर के बारे में जानकारी है। और इजिप्ट को, ये इजिप्ट कंट्री है, इजिप्ट को क्या कहा जाता है, इसे इजिप्ट को कहा जाता है बून ऑफ नाइल रिवर, नील नदी का वरदान, क्योंकि ये तो पूरा डेजर्ट का एरिया था बच्चों, और यहां से ये जब नदी गई तो उसने वहां हरा भरा कर दिया, बिल्कुल अलग डिफरेंट हो गया बच्चों। करंट अफेयर्स में प्रश्न आएगा अभी बताएंगे। यहाँ एक ग्रेट रिनेंसा डैम बना रहा है, ग्रेट इथोपिया बना रहा है ग्रेट रिनेंसा डैम इस ब्लू नील पर, और ब्लू नील और व्हाइट नील मिलते फिर नील कहलाती है। यहाँ ग्रेट रिनेंसा डैम बना हुआ, बहुत बड़ा डैम बन रहा है वो, इसलिए यहाँ पानी की कमी होगी इस एरिया में, तो ये करंट अफेयर्स का हॉट प्रश्न बना है बच्चों, ये 2019-20 का एक इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये याद रखना करंट अफेयर्स का। यस आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश में मीनिंग, अब इंग्लिश में मीनिंग क्या बोलते हैं, इंग्लिश वही बून, बून का मतलब वरदान, ईश्वर का भगवान का वरदान है, आशीर्वाद है, बून ऑफ नाइल रिवर, तो नील नदी का ने किसको वरदान दिया है, किसको जो है आशीर्वाद दिया है, तो किसको दिया है, मिस्र को, तो इजिप्ट को क्या कहा जाता है, इजिप्ट या मिस्र को, इजिप्ट को कहा जाता है बून ऑफ नाइल रिवर। यस आगे बढ़ते, तो नाइल के बारे में मैंने जनरली जानकारी दी बच्चों, कंप्लीट नहीं, जनरली जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक आगे बढ़ते हैं। तो यह लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है, कैसे नॉर्थ की ओर जा रही है, कहां से स्टार्ट होती है, विक्टोरिया झील से, लेक से, और कहां जाती है, मेडिटेरेनियन सी में जाती है। दूसरी इंपोर्टेंट रिवर, या फर्स्ट कंप्लीट की, दूसरी इंपोर्टेंट रिवर के बारे में जानकारी लेते हैं, देखें क्या है दूसरी इंपोर्टेंट रिवर, देखो ये वाली रिवर है, यह कटंगा प्लेट्यू है, और कटंगा प्लेट्यू से जा रही है, यह जा रही है, देखो क्या नाम है इसका, आप देख पा रहे हो यह इस रिवर का नाम क्या है, ये कॉन्गो, कॉन्गो इंपोर्टेंट रिवर, बस बस यही सेकंड बात, क्या है रिवर का नाम, क्या लिखो यहाँ, कॉन्गो लिख दो, ये कॉन्गो, कॉन्गो रिवर, कहीं कहीं इसे जायरे भी बोलते हैं, जायरे या जेरे, इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसे पहले जेरे कहते थे, आजकल क्या बोलते हैं, कॉन्गो, इससे प्रश्न क्या क्या आते हैं, अगर कहा जाए सबसे ज्यादा वाटर का ड्रेनेज सिस्टम किसका है, तो देख सकते हो इतनी सारी इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है, तो यह कॉन्गो रिवर का वाटर कैचमेंट एरिया सबसे ज्यादा है पूरे अफ्रीका की बात की जाए। दूसरी इंपोर्टेंट बात जो इसके बारे में जानकारी रहनी है बच्चों, यहीं से इसी वाले एरिया से गुजरती एक लेक अपने लाइन, उस लाइन का नाम है जीरो डिग्री लेटीट्यूड, जिसे हम बोलते हैं भूमध्य रेखा या इक्वेटर बोलते हैं बच्चों, इक्वेटर, तो इक्वेटर को 2 टाइम क्रॉस करने वाली रिवर कौन सी रिवर इक्वेटर को 2 टाइम क्रॉस करती है, तो कॉन्गो, एक बार ये चढ़ते हुए एक बार गिरते हुए नीचे आते हुए, ठीक है, तो यह याद रखना, कॉन्गो रिवर इक्वेटर को या भूमध्य रेखा को, विषुवत रेखा को, 0 डिग्री अक्षांश को 2 बार काटती है, 2 टाइम क्रॉस करती है। इसकी और बहुत सारी इसकी सहायक नदियां ऊपर नीचे से आ रही है, एक रिवर इसकी ऊपर से आ रही है, उसका नाम है इबोला बच्चों, इबोला आपको याद है, इबोला एक वायरस था, याद आ रहा होगा, इबोला वायरस ये इसी एरिया से आया था, और यहाँ पर लंबी चौड़ी बात है, इस वाले एरिया में कटंगा के प्लेटू में जहां ये चलती है वहां पर डायमंड्स बहुत ज्यादा होते हैं, हीरे बहुत ज्यादा है बच्चों इस वाले एरिया में, ठीक है, कटंगा से जहां से जा रही, इसलिए इसे कहते हैं रिवर ऑफ डायमंड्स, हीरों की नदी, रिवर ऑफ डायमंड्स, हीरों की नदी बोलते हैं, याद रखना, भूलना मत, आगे बढ़िए, बिल्कुल बहुत अच्छा। अब इसी के ऊपर इसका जो है इसकी राजधानी कैपिटल और इसका इंपोर्टेंट पोर्ट पड़ता है, आगे बात बताऊंगा मैं, इसका कॉन्गो की बात करते हैं, ठीक है, मतांडी इसका इंपोर्टेंट पोर्ट ना, और किनशासा इसकी राजधानी, किनशासा यहाँ पड़ता है, किनशासा और मतांडी पड़ता है लास्ट में, तो पोर्ट और इसका इंपोर्टेंट, स्टैनले वाटरफॉल वगैरह बहुत सारी चीजें यहाँ, लेकिन अब इंपोर्टेंट बात, एक और खास बात, इस वाले एरिया में बच्चों ये इक्विटोरियल रेन फॉरेस्ट वाला एरिया है, यानी कि घने जंगल है यहाँ, एवर ग्रीन इक्विटोरियल रेन फॉरेस्ट, विषुवतीय सदाबहार वर्षा वाले वन होते हैं, और हम इतना ज्यादा घना है कि सन की लाइट भी नीचे नहीं पहुंचती जमीन तक, इतना ज्यादा डेंस कैनोपी है वहां, ठीक। और यहाँ पर एक आदिवासी लोग रहते हैं जिसको बोलते हैं पिग्मी, पिग्मी दुनिया के सबसे नाटे कद के, सबसे ड्वार्फ बौने लोग रहते हैं, वो इस एरिया में रहते हैं, पिग्मी बोलते हैं उन्हें, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, कॉन्गो के अलावा आगे और इंपोर्टेंट रिवर कौन सी, देखो इंपोर्टेंट रिवर यहाँ से आप देखोगे तो ये आ रही है फूटा झाला और लोमा हिल्स से, क्या नाम है, नाइजर, ये नाइजर रिवर आ रही है, तो इसका थर्ड नाम, 3, क्या नाम है, नाइजर, लिखो ये नाइजर रिवर, इंपोर्टेंट रिवर है नाइजर रिवर, देखो यह कहां से आ रही है, तो यह इस वाले, यानी यह हम कहते हैं साउथ वेस्ट की बात की जा सकती है, वेस्टर्न कौन सा यह एरिया अफ्रीका का, वहां पड़ती है
फूटा जालौन हिल्स है, फूटा जालौन हिल्स के पास से निकलती है वाली है। क्या नाम है इसका? नाइजर। और इसके यहाँ से ये कैमरून के पहाड़ है जिसको कहा जाता है अदामावा हिल्स, वहां से आ रही है एक इंपॉर्टेंट दूसरी रिवर जिसका नाम है बेन्यू। एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है बच्चों, बेन्यू बेन्यू। मैंने आपको कह रखा है कि आप पढ़े तब ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस आपके सामने रहे और इस वाले एरिया से समझते जाएंगे तो आपको चीजें दिमाग में आती जाएगी, ठीक है। बाकी मैं तो बता ही रहा हूं लेकिन वहां जरूरत पड़ेगी आपको, नहीं समझ नहीं पाएंगे। अब इस वाले एरिया में यहाँ एक पठार है, प्लेट्यू रीजन है ये वाला। इस यह प्रश्न आया वो आपके, इसे कहते हैं जॉस का पठार, जॉस प्लेट्यू बोलते हैं, याद रखना। कहाँ पड़ता है? नाइजीरिया में पड़ता है। और इसी वाले एरिया में यहाँ एक शहर पड़ता है, इसकी कैपिटल नाम है इसका अबूजा। अबूजा इज द कैपिटल ऑफ नाइजीरिया, याद रखना। याद क्या रखना है? लास्ट में ये जब समुद्र में गिरती है यानी गिनिया की गल्फ ऑफ गिनिया में गिरती है, गिनी की खाड़ी, गिनिया की गल्फ, तो यहाँ पर एक इंपोर्टेंट शहर पड़ता है जिसका नाम है पोर्ट हरकोट। बहुत इंपोर्टेंट और बड़ा वह पोर्ट है, पोर्ट हरकोट, और वह हमारी मुंबई की तरह है वहां के लिए, याद रख। बिल्कुल। अब खास बात और क्या जानकारी रखनी है आपको, देखें यहाँ इस वाले एरिया से जब ये रिवर आ रही है तो इस वाले एरिया में यहाँ से यहाँ तक जो आ रहा है इस वाले एरिया में पाम ऑयल ट्री होते हैं, पाम ऑयल ट्री, ठीक है। वहां से क्या वो तेल निकालते हैं, पामोलिन, और वहां टैंक और वहां पर बड़े बड़े ड्रम, उसके अंदर वो ऑयल भरते हैं और वो यहाँ से लगाकर यहाँ तक ले आते हैं और यहाँ से फिर एक्सपोर्ट करते हैं ये वाली देश। हमारे इंडिया में भी इम्पोर्ट किया जाता है वहां से, तो यह ऑयल को ले जाने वाली नदी है, इसलिए इसको बोला जाता है रिवर ऑफ ऑयल, याद रखना, रिवर ऑफ ऑयल, तेल की नदी, तेल की नदी, याद रखना बात, रिवर ऑफ ऑयल्स बोलते हैं या ऑयल बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या नाम है? नाइजर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दो और इंपोर्टेंट रिवर जिनके बारे में जानकारी होनी बहुत जरूरी। इसी कटंगा प्लेट्यू से ये एक रिवर जा रही है जिसका नाम है जम्बेजी, और जाके कहां गिरती है? मोजाम्बिक चैनल में। कटंगा के प्लेट्यू से इधर की ओर आई और कांगो गई थी उधर, याद रखना। इसका क्या नाम है? जम्बेजी। तो थर्ड या के बाद फोर्थ इंपोर्टेंट रिवर नाम है जम्बेजी, या जम्बेजी, याद रखोगे, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे की नेचुरल बॉर्डर बनाती है, ऊपर रहता है जाम्बिया, नीचे रहता है जिम्बाब्वे, याद रखना, दो कंट्री की बॉर्डर बनाती है। दूसरी बात, यहाँ पर एक बहुत बड़ा डैम बनाया गया बच्चों, इसके ऊपर दोनों की बॉर्डर पर, नाम है करीबा डैम। प्रश्न आता है करीबा बांध कहाँ है, तो याद रखना करीबा डैम, करीबा डैम जो है वह किस नदी पर है? तो करीबा डैम किसके ऊपर है? जम्बेजी रिवर पर है। और इसी के पास में पड़ता है एक वाटरफॉल जिसका नाम है, ये तो डैम है, डैम मोस्ट इंपोर्टेंट डैम है, एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है करीबा डैम। दूसरा एक वाटरफॉल पड़ता है विक्टोरिया वाटरफॉल, विक्टोरिया याद रखोगे, विक्टोरिया या वाटरफॉल है, और बहुत ऊंचाई से पानी गिरता है बच्चों, और नीचे तक जब पानी आता है तो धुआं धुआं हो जाता है, कारण उसके पार्टिकल्स अलग अलग हो जाते हैं और स्मॉग ही स्मॉग का हो जाते हैं वहां, इसलिए उसे बोलते हैं हजारों धुआरों का, हजारों धुआरे, यानी कि वह स्मॉग वाटरफॉल बोलते हैं उसे, वहां बहुत शानदार वहां सीन देखने को मिलता है। उसके आगे जाते हैं तो मोजाम्बिक देश आता है, मोजाम्बिक देश, मोजाम्बिक देश में यहाँ पर एक इंपोर्टेंट डैम बना हुआ, वहां नाम है कोबरा बासा, इंपोर्टेंट नाम है ये भी बच्चों, कोबरा बासा डैम, तो दोनों इंपोर्टेंट है ये, कोबरा बासा ये भी डैम है, याद रखना। तो कोबरा बासा और करीबा डैम किस नदी पर है? याद रखोगे जम्बेजी नदी पर है, जम्बेजी रिवर पर, कोबरा बासा और करीबा, वैसे हाईएस्ट तो नहीं कह सकते बच्चों यहाँ, हाँ अफ्रीका का हाईएस्ट कह सकते हो, लेकिन दुनिया का हाईएस्ट तो है एंजेल वाटरफॉल, जो वेनेजुएला में पढ़ेंगे, साउथ अमेरिका में पढ़ेंगे, वो दुनिया का हाईएस्ट है, 996 मीटर से पानी गिरता है बच्चों वहां, तो वो सबसे ऊंचा है, हाईएस्ट वो है दुनिया का, है ना, अफ्रीका का ही हाईएस्ट कह सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो विक्टोरिया डैम और अपने क्या, विक्टोरिया वाटरफॉल और करीबा डैम और कोबरा बासा डैम, याद रखना। इस पर कौन सा था? नाइल पर कौन सा था? तो नाइल पर था आसवान डैम, और यहाँ नाइजर पर भी एक डैम है, देखो यहाँ यह डैम बनाया, यहाँ उस डैम का नाम है केजी डैम, केजी, प्रश्न आता है ये भी, नाइजर पर है केजी डैम, ये केजी डैम, केजी केजी, यस, और ये डैम हमने सारे देखे बच्चों। दुनिया की एक ऐसी रिवर है यह जम्बेजी जो हाईएस्ट वाटर हाइडल पावर प्रोजेक्ट यानी कि जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता रखती है, क्योंकि जगह जगह क्या है, ऊपर से पानी गिरता है जगह जगह से, तो खूब सारा यहाँ हाइडल पावर पोटेंशियल वाली रिवर है, याद रखना, कौन सी? जम्बेजी, ठीक है।
यस आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं यस। उसके बाद में अगली रिवर कौन सी है इंपोर्टेंट, देखो यहाँ वाला पार्ट मैं थोड़ा और बड़ा करता हूं ताकि आपको थोड़ा सा और बेटर तरीके से समझ में आएगा। ये ले लिया मैंने, देखो देखो यह पहुंच गए कहां, साउथ अफ्रीका का पार्ट है और यह वाला ड्रैंकेंसबर्ग पर्वत पड़ता है, कौन से ड्रैंकेंसबर्ग, और वहां से एक रिवर आ रही है ये वाली और इसका नाम है लिम्पोपो बच्चों, क्या नाम है लिम्पोपो, लिम्पोपो याद रखोगे। अब लिम्पोपो के बारे में खास बात क्या है, तो यहीं से एक लाइन गुजरती है बच्चों, यहां से क्या लाइन का नाम है उसका, तो उस लाइन का नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी मकर रेखा है यह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और कैप्रिकॉर्न को यह दो बार काटती है बच्चों याद रख। तो ड्रैंकेंसबर्ग माउंटेन से निकलकर और ये कहां आ रही है, यहाँ एक डलगांव बे पड़ती है या मापुतो बे बोलते हैं, डलगांव बे या मापुतो की खाड़ी, तो मापुतो की खाड़ी के अंदर ये आकर के गिरती है, ये या मोजाम्बिक चैनल का एक भाग है याद रखना, ये इधर की ओर आ रही है। इन्हीं ड्रैंकेंसबर्ग से एक इंपोर्टेंट रिवर आती है, यह जा रही है इंपोर्टेंट रिवर, तो लिम्पोपो को याद रखना, लिम्पोपो रिवर मकर रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 टाइम क्रॉस करती है, याद रखना बात। और इसके अलावा इस वाले बात के तो यह एक रिवर जा रही है ये वाली और इसका नाम है बच्चों ऑरेंज, याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट रिवर है ये भी, ऑरेंज रिवर, क्या नाम है ऑरेंज, ऑरेंज रिवर कहां से निकलती है, यह भी कहां से ड्रैंकेंसबर्ग से निकलती है और यह कहां जा रही है, देखो यह वेस्ट में जा रही है, ये ईस्ट में आ रही थी तो ये वेस्ट में जा रही है और यहाँ ऊपर पड़ता है अपना कौन सा नामीबिया और ये साउथ अफ्रीका, इनकी बॉर्डर बनाती है दोनों की, और ये आके जाके कहाँ गिर रही है यह, तो वहां एक वाल्विस भी है लेकिन आप ये नाम याद रखना, या गिनी की खाड़ी में या फिर मोटे तौर पर या अटलांटिक ओशियन में जाके गिरती है याद रख, ठीक है। और ये इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, ये देखो इसका नाम है वाल, इसकी जो है ट्रिब्यूटरी है, किसकी, ऑरेंज की ट्रिब्यूटरी है वाल, याद रखना इंपोर्टेंट प्रश्न है ये साउथ अफ्रीका वाला पार्ट जहां से आपके प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है बिल्कुल। हितेश राय बहुत अच्छा, मनीष बहुत अच्छा बच्चे है ना, अभिनव शर्मा बिल्कुल, आशीष बहुत अच्छा, हाँ गांधी जी कहाँ गए, तो गांधी जी वाला ये वाला एरिया कहाँ गए हम, ये वाला पार्ट, इन वाल यहाँ पर एक शहर पड़ता था जिसका नाम था डरबन, ये डरबन पोर्ट पर थे, डरबन के आगे यार अब कुछ ठीक कहा, यह वाला जो एरिया ये वाला पार्ट यह वाला उस एरिया को कहा था नेटाल, नेटाल वो प्रोविंस था और नेटाल प्रोविंस का जो हेड कहा जाए पोर्ट जो है वह क्या था, नेटाल प्रोविंस का पोर्ट था डरबन, बड़ा शहर था वो, और वहां से जा रहे थे कहां, वह गए थे जोनसबर्ग और जोनसबर्ग से वह जा रहे थे प्रिटोरिया, तो रास्ते में पड़ता था एक जगह जिसका नाम था पीटर मेरिट्सबर्ग पर उन्हें जो है ट्रेन से धक्का देके बाहर फेंका, तभी उन्होंने काले और गोरे के लिए लड़ाई वहां से शुरू की, याद रखना है ना, अपार्थेडिज्म जिसे बोलते हैं, ठीक है चलो वो हिस्ट्री का पार्ट है, हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो यह हमने समझा कौन कौन सी इंपोर्टेंट रिवर थी, तो इस सारी रिवर खास खास जिनके बारे में जानकारी लें, यह एक और इंपोर्टेंट रिवर है बच्चों, इसका नाम है सेबेली, याद रखना यह है यह जो इथोपियन आईलैंड से आ रही है और सोमालिया से जा रही है, इसका नाम है सेबेली, यह इंपोर्टेंट रिवर है सोमालिया की और सोमालिया की कैपिटल पड़ती है मोगादिशु, इसी के तट पर बसा हुआ है मोगादिशु सोमालिया की कैपिटल। एक और इंपोर्टेंट रिवर जाती है यहाँ कौन सी है, सेनेगल कंट्री से होते जाती है डकार जहां पड़ता है, ठीक है। तो ये भी जानकारी आपको रखनी है, कुछ याद रखना है जो मैं बता रहा हूँ, चलिए आगे बढ़ते हैं, बस ये यहाँ की इंपोर्टेंट रिवर से चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए उसके बाद में क्या देखना है, हमने सारी चीजें पढ़ ली बच्चों, अब कुछ जनजातियों के बारे में बताऊंगा, ये क्या है इजिप्ट है, इजिप्ट का ये नाइल रिवर है जा रही है और यहाँ इसके ऊपर डैम बना हुआ है, कौन सा डैम है, आसवान डैम जो आपको बताया, ये आसवान डैम देखो, और ये नासिर लेक प्रश्न आता है नासिर लेक के बीच में से कौन सी लाइन गुजरती है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और कौन सी विक्टोरिया लेक से कौन सी गुजरती है, तो विक्टोरिया लेक से गुजरती है बच्चों इक्वेटर, याद रखना इक्वेटर गुजरती है। आगे बढ़ते हैं देखो यह खरतुम है जो व्हाइट नील और ब्लू नील दोनों के मिलने के स्थान पर है, उसके बाद व्हाइट नील हो गई और कहां जा रही है, आसमान से होती हुई जा रही है कहां पर, ये मेडिटेरेनियन सी में जाके गिरती है, ठीक है इसके बारे में जानकारी मैंने दी।
या हॉर्न ऑफ अफ्रीका, मैंने कल की क्लास के अंदर ही पढ़ा दिया था आपको। हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहाँ है देखो, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और इरिट्रिया, ये चार कंट्री मिलकर के क्या बनाते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाते हैं बच्चों, हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाते हैं, याद रखना। प्रश्न आता है कौन कौन से सम्मिलित नहीं है, तो इनको चार कंट्री इसके अंदर आते हैं, कौन कौन से नाम जरूर याद रखना। वापिस सुनो, सोमालिया की कैपिटल देख लो, सोमालिया की कैपिटल है मोगादिशु। ये सेबेली रिवर आ रही है, सेबेली, ये सेबेली है, सेबेली के तट पर है, अभी अभी जैसे मैंने बताया आपको। दूसरा इथोपिया, इथोपिया को पहले कहा जाता था एबिसिनिया, याद रखना, प्रश्न आता है इस इथोपिया का पहले पुराना नाम क्या है, एबिसिनिया। इंसान का ओरिजन, ह्यूमन का ओरिजन, इंसान की उत्पत्ति इथोपिया के हाईलैंड से, एबिसिनिया के पठार से ही मानी जाती है, याद रखना। यानी इंसान सबसे पहले कहां पैदा हुआ है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के इथोपिया के इस एबिसिनिया आइलैंड पर हुआ है, याद रखना बात। इसकी कैपिटल क्या है, ये अदिस अबाबा, अदिस अबाबा इसकी कैपिटल है, ठीक। इसके अलावा जिबूती, ये पड़ता है जिबूती जो पीले कलर का है, जिबूती का कैपिटल पड़ती भी है जिबूती। उसके बाद है इरिट्रिया, इरिट्रिया की कैपिटल पड़ती है बच्चों असमारा। तो असमारा, जिबूती, अदिस अबाबा और मोगादिशु, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा ये वाला पार्ट जिसको मैंने बस ये कैपिटल दे रखी है, कैपिटल दे रखी है, ठीक है। तो कैपिटल के बारे में जानकारी, जैसे देखो मोगादिशु, अदिस अबाबा, जिबूती, असमारा, खरतुम किसी सूडान की, साउथ सूडान की, एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है प्रश्न, तो साउथ सूडान की क्या, जुबा, और जुबा कौन सी नदी है वहां, तो वो नदी कौन सी, रिवर कौन सी बच्चों, तो ये कौन सी रिवर जा रही है, ये विक्टोरिया लेक से कौन सी रिवर जा रही थी, व्हाइट नील, तो व्हाइट नील के तट पर है ये, याद रखना, जुबा पड़ता है, जुबा व्हाइट नील के तट पर पड़ता है। और इसके बाद केन्या, केन्या की कैपिटल क्या है, ये नैरोबी, नैरोबी केन्या की कैपिटल। और इसके बाद में तंजानिया, तंजानिया की दोदोमा पहले हुआ करती थी दारुसलाम, दारुसलाम बहुत बड़ा पोर्ट है और वह उसकी कैपिटल था, लेकिन आजकल कैपिटल क्या है, तंजानिया की डोडोमा, दोदोमाएं, डोडोमा, क्योंकि पहले वो और अब ये, दोदोमाएं, ऐसे याद रखना, ठीक है। और बाकी ये युगांडा, ये युगांडा पड़ता है, युगांडा की कैपिटल पड़ती है कंपाला, कंपाला। फिर पड़ता है रवांडा, रवांडा की कैपिटल पड़ती है कीगाली, कंगाली, बहुत गरीब देश है रवांडा, कीगाली, ठीक है। उसके बाद में नीचे पड़ता है बुरुंडी, बुरुंडी की है बुजुम्बुरा, क्या है, बुजुम्बुरा। अब इसको जो है मैं बड़ा सा करके यहां आपके सामने लाता हूं, देखो ये वाला, यस, देखो आराम से समझते हैं, यस 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 यस, आ जाओ भाई, बिल्कुल ना, देखो ये तो, देखिए क्या है, या कंपाला किसकी, कंपाला किसकी, युगांडा की कंपाला, रवांडा की क्या, कीगाली, और जो है बुरुंडी की क्या है, बुजुम्बुरा। यह गरीब देश है, दुनिया के गरीब देशों में ह्यूमन जो है HDI है ना, ह्यूमन अपने डेवलपमेंट इंडेक्स, उसके अंदर पीछे वाले आने वाले कंट्री है। आपने देखा होगा, जो बच्चा जागरूक होगा, करंट अफेयर्स पढ़ रहा होगा, उसे पता है युगांडा कंपाला, युगांडा की कंपाला, रवांडा की कीगाली और अपने बुरुंडी की बुजुम्बुरा, गरीब देश है ये, ठीक है। हाँ याद रख, बिल्कुल एड्स, याद रख। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में ये कंट्री है, कंट्री को आपको याद करना है, कैपिटल याद रखनी, ये साउथ अफ्रीका बच्चों, साउथ अफ्रीका के अंदर एक कंट्री पड़ता है, बिल्कुल पूरी तरह से चारों ओर से गिरा साउथ अफ्रीका, उसका नाम है लेसोथो, और लेसोथो की ये वाला पूरा लेसोथो जो आपको दिख रहा है, और इसकी कैपिटल पड़ती है मसेरू, और ये पड़ता है स्वाजीलैंड, देखो स्वाजीलैंड, जिसकी पड़ती है मबाबाने, ये स्वाजीलैंड, तो दो कंट्री पड़ते हैं उसके अंदर, बिल्कुल ये वाले। बाकी और बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर देखने की। दुनिया की सबसे बड़ी हीरो की खान, डायमंड कैपिटल जिसे बोलते हैं, उसका नाम है किम्बरले, ये किम्बरले बच्चों, ये इसे कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी हीरो की खान, कुलीनन जो हीरा था वो यहीं से निकला था। उसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट शहर है जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग, ये वाला जोहान्सबर्ग बच्चों, यह जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग जो है इसे कहते हैं सिटी ऑफ गोल्ड, यानी सोने का शहर बोलते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा सोने का यहाँ पर कारोबार होता है, प्रोडक्शन होकर के यहाँ रिफाइन वगैरह होता है, याद रख। और इसकी कैपिटल है प्रिटोरिया, ये कौन सा कंट्री है, पूरा साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका की यह एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल यानी प्रिटोरिया वहां की कैपिटल, ठीक है, याद रखना बात। उसमें एक कंट्री है क्या, उसके अंदर पड़ता है लेसोथो, और यह स्वाजीलैंड, स्वाजीलैंड यानी कि साउथ अफ्रीका, और ऊपर कौन है, यहाँ पड़ता है मोजाम्बिक, दोनों के बीच में बॉर्डर लगने वाली मबाबाने इसकी कैपिटल है, याद रख। यह शहर देखो पीटर मैरिजबर्ग, जहां गांधी जी को धक्का देके गिराया गया था,
ठीक है, और ये डरबन, डरबन पीटर मैरिजबर्ग से होते न्यू कैसल से होते हुआ जोहानसबर्ग से प्रिटोरिया गए थे केस दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए, ठीक है, प्रिटोरिया में केस चल रहा था उनका, और दादा अब्दुल्ला रहते थे कहां, डरबन में, तो वहां से वहां गए वो। आगे बढ़ते हैं, यस देखो यहाँ ये डैम भी बनाया गया किसके ऊपर, करीबा डैम, ये करीबा डैम देखो या आगे लिखा नहीं, ये कौन सा, वो जम्बेजी रिवर आ रही थी, और ये कालाहारी डेजर्ट बोत्सवाना के अंदर पड़ने वाला, और यह जा रही है ऑरेंज रिवर, आप देख सकते हो ये ऊपर से और से जा रही है लिम्पोपो रिवर, ये लिम्पोपो रिवर है वह ऑरेंज रिवर है। यह मैप को जो है स्क्रीनशॉट ले लेना और आराम से देखना, यहाँ से प्रश्न खूब आ रहे हैं, याद रखना यहाँ पड़ रहा है यह कौन सा, कालाहारी डेजर्ट, और यहाँ पड़ता है नामीब डेजर्ट लिखा हुआ है, आप देख सकते हो और समझ सकते हो। डेजर्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया था इसलिए वापिस रिपीट नहीं करूंगा मैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है बच्चों, तो कल की क्लास के अंदर हम इसको पूरा करेंगे, कारण क्या, इसके अंदर फिर डेजर्ट के अलावा मैं आपको आदिवासी जनजातियां बताऊंगा, यहाँ कौन कौन सी आदिवासी जनजातियां हैं, जैसे कौन, ये रिवर से कंप्लीट करने के बाद में इसके बारे में जानकारी लेंगे कौन कौन से लोग रहते हैं, तो इन लोगों के बारे में भी जानकारी लेंगे वहां के आदिवासी लोगों के, ठीक है। तो इनको यह कल हमारा अफ्रीका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आज की क्लास कैसी लगी मुझे इसके बारे में जरूर बात करना मुझे और जानकारी देना, और कल की क्लास में यह कंप्लीट हो जाएगा, और अभी आपकी जो है क्लास ले रहे हैं सर जो है संजीव सर, बिल्कुल तैयार हैं, खड़े हैं, और आपकी क्लास के आप भी जो उनकी क्लास के लिए बड़े उतावले हो रहे हैं मुझे पता है, तो आप लोगों से मैं विदा लेता हूं। जय हिंद जय भारत। चलिए कहां गया।